भारत माता की वंदे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज केसर, ऑटो क्वालिटी इंग्लिश चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एफएमईए जो नया रिलीज हुआ है, एफएमईए एआईएजी प्लस वीडीए जो लेटेस्ट एडिशन 1 जून 2019 को रिलीज़ हुआ है। अब से पुराने एडिशन को भूल जाओ और जो भी यूट्यूब पर पुरानी वीडियोस पड़ी हुई हैं एफएमईए की, वो सारी की सारी अब किसी काम की नहीं है। तो जो ये वीडियो नहीं है इसको आप देखें और इस वाले एडिशन को अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ एफएमईए? एफएमईए क्या है? एफएमईए स्टैंड्स फॉर फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। एफएमईए की फुल फॉर्म है फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। इट इज़ अ टीम ओरिएंटेड सिस्टमेटिक मेथड। ये एक टीम ओरिएंटेड और सिस्टमेटिक मेथड है जो कि हमारे प्रोडक्ट और प्रोसेस के पोटेंशियल टेक्निकल रिस्क को एनालिसिस करने के काम आता है। और जब हम एक बार टेक्निकल रिस्क एनालिसिस कर लेते हैं तो उसके रिकमेंडेड एक्शन लेते हैं ताकि उस रिस्क को कम किया जाए। तो आइए चलते हैं एफएमई की हिस्ट्री की तरफ। एफएमई की हिस्ट्री क्या है? फर्स्ट, एफएमई डेवलप्ड इन 1949 टू 1950 बाय यूएस मिलिट्री एस मिल पी 1629। सेकंड, इसका एफएमई का जो प्रॉपर यूज़ है वो नासा ने सन 1963 में अपोलो प्रोजेक्ट में किया था एस एफएमईसीए। थर्ड, फोर्ड वाज द फर्स्ट ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। फोर्ड एक ऐसी पहली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री थी जिसने इसका एफएमई का यूज़ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में किया था। फोर्ड ने इसका यूज़ 1977 के अंदर यूज़ किया था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। फोर्थ, यूज्ड एज एफएमई डिन 25448 बाय जर्मन एज पार्ट ऑफ वीडीए। जर्मन स्टैंडर्ड में भी इसका यूज़ किया जाता है और इसको अमेरिकन क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम और एआईजी ने 1993 में कॉपीराइटेड डॉक्यूमेंट्स किया था। और इसका जो लास्ट एडिशन जो था एआईजी फोर्थ एडिशन जो कि 2008 में पब्लिश हुआ था, बट अब जो लेटेस्ट एडिशन है, एक बात और यहाँ पे जान लें कि जो लास्ट एडिशन था उसको फोर्थ एडिशन का नाम दिया जाता था, बट अब जो हमारा लेटेस्ट एडिशन है वो एआईजी और वीडीए दोनों ने कोलैबोरेट करके बनाया है और ये हमारा 1 जून 2019 को रिलीज़ हुआ है और इसको हम फर्स्ट एडिशन कहते हैं। इसके अलावा कौन कौन से कोर टूल्स होते हैं ये हमने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखी तो उस लास्ट वीडियो को एक बार जाकर जरूर चेक करें। तो चलिए आगे चलते हैं। वैन टू डू एफएमई, एफएमई हमें कब करना चाहिए? जब हम अपने यहाँ पर न्यू टेक्नोलॉजी या कोई नया प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं या फिर हम अपना कोई नया प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं तब हमारे को एफएमई करना चाहिए। सेकंड, ईसीएन, ईसीएन की फुल फॉर्म है इंजीनियरिंग चेंज नोट। जब भी हमारे यहाँ पर प्रोसेस में या कस्टमर ने कोई ईसीएन दिया है या फिर कोई ला रिक्वायरमेंट है या फिर अगर कोई क्वालिटी इशू है जो कस्टमर कंप्लेंट आई है उसके बाद या फिर हारा एंड टारा की कंडीशन पे या एक्सेट्रा जितनी भी हमारी ईसीएन कंडीशन है उस टाइम पे भी हमें एफएमई करना होता है। आइए चलते हैं हारा की फुल फॉर्म क्या होती है। हारा, हैजार्ड एंड रिस्क एनालिसिस। हैजार्ड इज़ अ थ्रेट विच इफेक्ट ह्यूमन लाइफ एंड हेल्थ, इज कॉल्ड हैजार्ड। हैजार्ड जो है जो कि हमारी ह्यूमन लाइफ को, मान जिंदगी को जो इफेक्ट करते हैं वो जो थ्रेट है वो हैजार्ड्स में आते हैं, हारा में आते हैं। और टारा, टारा थ्रेट असेसमेंट एंड रेमेडियल एक्शन। अदर देन हैजार्ड रिस्क ऑल टाइप ऑफ रिस्क इज थ्रेट्स, जो हमारी ह्यूमन लाइफ को इफेक्ट नहीं करते, जिसके अलावा जो भी इफेक्ट हैं वो सारे के सारे टारा के अंदर आते हैं। आइए एक चीज़ और हम जान लेते हैं IATF के अकॉर्डिंग। व्हाट इज़ रेफरेंस बेस्ड नॉलेज? रेफरेंस बेस्ड नॉलेज क्या होती है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑडिटर हमारे को इसी चीज़ के लिए ही हमेशा परेशान करते हैं। एज़ पर IATF 2016 इट इज़ मैंडेटेड टू हैव रेफरेंस बेस्ड नॉलेज। जो नया IATF का एडिशन जो 2016 में आया था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास रेफरेंस बेस्ड नॉलेज होनी चाहिए। मीन्स जो भी हमारे पास नॉलेज है उसका रेफरेंस होना चाहिए किसी स्टैंडर्ड बुक से जिसकी हम ट्रेसिबिलिटी दे सकें जब भी रिक्वायरमेंट हो। क्योंकि अगर हमारे पास रेफरेंस बेस्ड नॉलेज नहीं होगी तो उसके अलावा जो भी हमारी नॉलेज है वो सारी की सारी परसेप्शन बेस्ड नॉलेज होगी और परसेप्शन बेस्ड नॉलेज जो है वो वर्थलेस होती है। परसेप्शन बेस्ड नॉलेज वो होती है जो कि किसी ने हमें बोला और हमने उसको मान लिया। जैसे कि किसी ने बोल दिया AIG प्लस VDA फिफ्थ एडिशन है, ये बात गलत है, पर आपने किसी और की बात मान ली तो ये
परसेप्शन बेस्ड नॉलेज है, जबकि रेफरेंस बेस्ड नॉलेज के अंदर AIG प्लस PDA फर्स्ट एडिशन है। तो हमें किसी ना किसी बुक का रेफरेंस लेना चाहिए। विदाउट बुक हम जितने भी हमारे पास जो नॉलेज होती है वो सारी सारी परसेप्शन बेस्ड नॉलेज होती है। ये साइड में जो आप मैनुअल देख रहे हैं आप इसको परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। और ये मैनुअल्स हमारी कंपनी में हमारे पास होने चाहिए, इन मैनुअल्स के बेस पे ही हम अपने ऑडिटर से बात कर सकते हैं, नहीं तो जो भी हमें ऑडिटर कहेगा और हमें उसकी बात माननी पड़ेगी, चाहे उसकी नॉलेज भी परसेप्शन बेस्ड नॉलेज हो पर हमें उसकी बात मजबूरी माननी पड़ती है क्योंकि हमारे पास रेफरेंस बेस्ड नॉलेज ही नहीं होती। इसके अलावा अगर हमें कभी भी इंटरव्यू भी क्लियर करने हैं तो हमारे पास रेफरेंस बेस्ड नॉलेज होनी चाहिए। और दूसरी बात, मैं अपनी सारी की सारी वीडियोज़ के अंदर रेफरेंस बेस्ड नॉलेज ही देता हूँ, परसेप्शन बेस्ड नॉलेज हमारे पास कोई भी नहीं होती। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। मेजर चेंजेस इन FMEA में बड़े चेंजेस क्या हुए हैं? सबसे बड़ा चेंज तो ये हुआ है कि AIG और VDA ने आपस में कोलैबोरेशन कर लिया है और ये एक कॉमन फाउंडेशन दे रहे हैं। अब हमारे को VDA में जाकर जो जर्मन स्टैंडर्ड उसके अंदर हमारे पास FMEA कोई अलग से फॉर्मेट नहीं है, उन दोनों ने कंबाइंड कर लिया है। इसके अलावा रेफरिंग टू कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट स्टिल रिकमेंडेड। अगर हमारा कस्टमर जो भी अपनी रिक्वायरमेंट करता है वो तो हमारी अभी भी मैंडेटरी है, वो जैसा भी वो मांगता है हमारा कस्टमर वो तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही देना है। PFMEA के बेनिफिट्स क्या हैं ये भी जानना ज़रूरी है। PFMEA के बेनिफिट्स हैं डायरेक्ट इम्प्रूवमेंट। PFMEA में डायरेक्ट इम्प्रूवमेंट जो होती है उससे हमारी क्वालिटी बढ़ती है, प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी बढ़ती है, सेफ्टी बढ़ती है, मैन्युफैक्चरेबिलिटी बढ़ती है और कॉस्ट भी रिड्यूस होती है। और इनडायरेक्ट इम्प्रूवमेंट क्या होती है? इनडायरेक्ट इम्प्रूवमेंट में हमारे रेगुलर कंप्लायंसेस, जो हमारे गवर्नमेंट के जो रेगुलर कंप्लायंसेस हैं उसको हम फुलफिल करते हैं। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन हमारी सप्लायर के साथ भी होती है और अपने कस्टमर के साथ भी कम्युनिकेशन होती है। इसके अलावा हमारे वेस्टेज में रिडक्शन आती है। ये सारे के सारे हमारे बेनिफिट्स हैं PFMEA की। और PFMEA की फुल फॉर्म जो होती है प्रोसेस फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। और PFMEA के लिमिटेशंस क्या है? इट इज़ क्वालिटिव नॉट क्वांटिटिव, मतलब कि हम इसको मेज़र नहीं कर सकते। एंड सेकंड, इट रिलाइज ऑन टीम्स लेवल ऑफ नॉलेज विच मे और मे नॉट प्रेडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस। हमारा जो FMEA है वो हमारी टीम के नॉलेज के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर हमारी टीम ज़्यादा मैच्योर होगी, उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा और उसको प्रोसेस के बारे में नॉलेज ज़्यादा होगी तो ही हमारा FMEA बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। अगर हमारी टीम के नॉलेज कम होगी तो हमारा FMEA भी उसी अकॉर्डिंग ही बनेगा। अब FMEA के अंदर कौन कौन से रिस्क होते हैं? FMEA है 4 टाइप्स ऑफ रिस्क। पहला है टेक्निकल रिस्क, सेकेंड है फाइनेंशियल रिस्क, थर्ड है टाइम रिस्क और एंड फोर्थ है स्ट्रेटेजी रिस्क। बट हम यहाँ पर जो भी बात करेंगे वो सिर्फ टेक्निकल रिस्क के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए अब नए FMEA के बारे में बात करते हैं। जो हमारा नया FMEA है जो AIG प्लस VDA ने कोलैबोरेट करके बनाया है, उसके अंदर 7 स्टेप होते हैं। इसके अंदर 7 स्टेप अप्रोचेस होती है, जिसका इसका फर्स्ट स्टेप है वो है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, सेकेंड स्टेप है स्ट्रक्चर एनालिसिस, थर्ड स्टेप है फंक्शनल एनालिसिस, फोर्थ है फेलियर एनालिसिस, फिफ्थ है रिस्क एनालिसिस, सिक्स है ऑप्टिमाइजेशन, सेवन्थ है रिजल्ट डॉक्यूमेंटेशन। अब जो हमारे फॉर्मेट में क्या क्या मेजर चेंजेस होते हैं एक बार इसको भी जान लेते हैं। पहले हमारे फॉर्मेट के अंदर की डेट हुआ करती थी, जो कि अब इस नए फॉर्मेट के अंदर ख़त्म कर दी गई, इसको हटा दिया गया है। पहले हमारे फॉर्मेट में प्रीपेयर्ड बाय लिखा जाता था, जो कि अब नए फॉर्मेट में इसको भी हटा दिया गया है। पहले हमारे फॉर्मेट में FMEA डेट ओरिजिन लिखा जाता था, जिसको कि अब कर दिया गया है चेंज टू, जो चेंज करके जो करा गया अब हम यहाँ पे लिखते हैं स्टार्ट डेट। FMEA डेट ओरिजिन की जगह अब हम लिखते हैं स्टार्ट डेट, FMEA हमने कब स्टार्ट किया था वो वाली डेट हम यहाँ पे लिखते हैं। इसके अलावा हमारे स्टेप वन के अंदर कुछ नए पॉइंट्स ऐड करे गए हैं। ये पॉइंट्स हैं CFT बिफोर कोर टीम वर्ड इज़ यूज, नाउ क्रॉस फंक्शनल टीम वर्ड इज़ यूज। पहले जो हमारा FMEA था उसके अंदर कोर टीम वर्ड को यूज़ करा जाता था, बट जो अब वाला है इसके अंदर अब हम क्रॉस फंक्शनल टीम या CFT वर्ड का यूज़ करते हैं। क्रॉस फंक्शनल टीम के अंदर हमारी कोर टीम तो रहेगी ही रहेगी, प्लस एक्सटेंडेड टीम भी उसका पार्ट होती है। एक्सटेंडेड टीम हमारे सप्लायर हो सकते हैं, हमारे कस्टमर हो सकते हैं, हमारे ऑडिटर हो सकते हैं, या फिर अलग डिपार्टमेंट के हेड या इंजीनियर्स हो सकते हैं।
तो उसको एक्सटेंडेड टीम के अंदर हम डालते हैं। तो अब हमारा नया फॉर्मेट में सीएफटी में एक्सटेंडेड टीम को ऐड कर दिया गया। सेकंड इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इन सब्जेक्ट वी राइट प्रोसेस ग्रुप नेम। ये सबसे बड़ा मेजर चेंजेस यही हुआ है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अंदर जो हम डालते हैं प्रोसेस के ग्रुप का नेम डालते हैं। जैसे कि हमारे पीएफडी के अंदर अलग अलग स्टेप होते हैं, जैसे कि फोर्जिंग का ही मान लिया जाए, तो फोर्जिंग में इनकमिंग मटेरियल हुआ, इनकमिंग के बाद उसको फोर्जिंग करा जाता है, फोर्जिंग के बाद उसको अगर हमारा प्लेटिंग का प्रोसेस है तो प्लेटिंग में भेजा जाएगा, प्लेटिंग के बाद उसका पैकिंग होगी और पैकिंग के बाद उसका जो डिस्पैच होगा। तो ये अलग अलग 5 स्टेप हो जाएंगे। तो इसमें अब हमारा जो है प्रोसेस के ग्रुप का नाम लिखा जाएगा। जैसे कि हमारा अगर फोर्जिंग हो रहा है तो सिर्फ हम फोर्जिंग का ही नाम लिखेंगे, इसके अंदर एक जो फंक्शन हो रहा है फोर्जिंग, बस खाली उस प्रोसेस का ही नाम लिखा जाएगा फोर्जिंग, और फोर्जिंग का ही हम बनाएंगे। अब हमारे ये हमारा एफएमए थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होगा। जैसे कि पहले हमारे एफएमए के अंदर हमारा जो भी पीएफडी के अंदर जितने भी प्रोसेस आते थे वो सारा का सारा हमारा एक ही एफएमए बन जाता था, बट अब इस नए एफएमए के अंदर अलग अलग प्रोसेस का अलग अलग एफएमए बनेगा। मतलब कि अगर हमारे एक पार्ट के अंदर 10 प्रोसेस है तो उसके 10 प्रोसेस वाइज एफएमए बनेंगे, अलग अलग एफएमए बनेंगे। तो ये एफएमए थोड़ा लेंथी होगा। अब इसके बाद इसके अंदर जो नया ऐड हुआ है वो है कॉन्फिडेंशियल लेवल। कॉन्फिडेंशियल लेवल इससे पहले कभी नहीं हुआ था, हुआ करता था, इसके बारे में हम आगे में जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी राइट द नेम ऑफ प्रोसेस ओनर, डैट इज इफ वी राइट फॉर मशीनिंग देन राइट मशीन शॉप सुपरवाइजर और मशीन शॉप हेड नेम। अब यहाँ पर हमारे को प्रोसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि अब हमने प्रोसेस लिख दिया, प्रोसेस हमारा फोर्जिंग है, तो फोर्जिंग शॉप का जो सुपरवाइजर है, जो प्रोडक्शन का सुपरवाइजर है, हम उसका नाम लिखेंगे, या प्रोडक्शन का जो हेड है फोर्जिंग का हम उसका नाम लिखेंगे। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल जो है पर्सन उसका हम नाम यहाँ पर लिखेंगे। और अलग अलग प्रोसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग प्रोसेस ओनर की होगी। जैसे कि फोर्जिंग का कोई ओनर है तो वो उसकी फोर्जिंग में जो वहाँ का सुपरवाइज़र है उसकी अलग होगी, प्लेटिंग का जो सुपरवाइज़र है उसकी अलग होगी, इनकमिंग मटेरियल कोई अलग सुपरवाइज़र देख रहा होगा, तो सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो चलिए आगे, एक नई चीज़ इस नए रिवीजन के अंदर आरपीएन नंबर नहीं है। तो अब आरपीएन नंबर नहीं है तो क्या है, इसको हम थोड़ा आगे में जानेंगे। अभी हम जान लेते हैं व्हाट इज़ कॉन्फिडेंशियल लेवल। कॉन्फिडेंशियल लेवल क्या है, ये कॉन्फिडेंशियल लेवल हमारा नया ऐड हुआ है इस फॉर्मेट के अंदर। देर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्फिडेंशियल लेवल विच इज फिल्ड इन कॉन्फिडेंशियल लेवल कॉलम। बिजनेस यूज, दिस डॉक्यूमेंट विल शो टू अवर बिजनेस रिलेशन पर्सन ऑडिटर आल्सो इंक्लूडेड इन इट। जो बिजनेस यूज है इसके अंदर जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है ये हमारे जो बिजनेस रिलेटेड पर्सन है सिर्फ हम उसी को ही दिखाएंगे, या फिर हम ऑडिटर्स को भी इसको दिखा सकते हैं। सेकंड इज प्रोप्राइटरी यूज, वी विल नॉट शो दिस डॉक्यूमेंट टू कस्टमर ऑडिटर और एनीवन, वी विल टेक पेटेंट फॉर इट, वी ओनली शो पेटेंट टू कस्टमर। इसके अंदर प्रोप्राइटरी यूज के अंदर ना तो हम अपने डॉक्यूमेंट्स को, एफएमए डॉक्यूमेंट को, ना हम अपने कस्टमर को शो करते हैं, ना हम अपने ऑडिटर को शो करते हैं, और ना ही हम किसी और को शो करते हैं, क्योंकि हम इसका पेटेंट ले लेते हैं, सिर्फ हम अपने कस्टमर को इसका पेटेंट ही शो करते हैं। और थर्ड है कॉन्फिडेंशियल यूज़, दिस डॉक्यूमेंट विल शो टू ओनली दोज विथ वी हैव साइंड द एग्रीमेंट। इस डॉक्यूमेंट को हम सिर्फ उसी को ही दिखाएंगे जिसके साथ हमने एग्रीमेंट किया हुआ है, इसके अलावा हम ये डॉक्यूमेंट किसी और को नहीं शो करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट है व्हाट इज़ बेसलाइन पीएफएमई। बेसलाइन पीएफएमई क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होगा बेसलाइन पीएफएमई, क्योंकि अलग अलग प्रोसेस का जब हम अलग अलग पीएफएमई बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं व्हाट इज़ बेसलाइन पीएफएमई। लेट्स अज्यूम वी मेक अ फोर्जिंग प्रोसेस पीएफएमई व्हिच हैव ऑलरेडी अ सिमिलर प्रोसेस पीएफएमई इज अवेलेबल। मान लिया जाए कि हमने एक फोर्जिंग प्रोसेस का पीएफएमई बनाया जिसका पहले से एक सिमिलर प्रोसेस पीएफएमई है, अवेलेबल है, देन वी गिव द रेफरेंस ऑलरेडी पीएफएमई इन न्यू पार्ट विच हैव सेम फोर्जिंग प्रोसेस। तो हम अगर किसी नए प्रोसेस का, किसी नए पार्ट का जब हम पीएफएमई बनाएंगे तो हम इसका रेफरेंस दे सकेंगे। तो इसलिए हमें बार बार पीएफएमई बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब हम इसका रेफरेंस दे देंगे तो ये हमारा बेस लाइन पीएफएमई बन जाएगा। तो हुआ थोड़ा हमारा काम आसान, थोड़ी टेंशन कम हुई। इस तरीके से
ये पहले शुरुआत में पहली बार बनाना तो बहुत ज़्यादा लेंथी होगा और बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, पर जब एक बार हमारा बन जाएगा तो बहुत आसान भी हो जाएगा, क्योंकि एक प्रोसेस से सिमिलर प्रोसेस बहुत सारे होते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला होगा वो हमारा बेस लाइन PFM ये बन जाएगा। उसके अंदर अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं तो नए वाले चेंजेस हम उसके अंदर ऐड करके शो कर देते हैं कि ये हमारे चेंजेस हुए हैं इस नए PFM में। अब हमारे जो मेजर चेंजेस क्या हुए हैं फॉर्म के अंदर, सबसे बड़ा चेंज जो हुआ है, ऑल द 7 स्टेप इज डिफरेंट एक्सटेंडेड एंड न्यू फ्रॉम ओल्ड PFM। जो नए जो 7 स्टेप है वो पुराने PFM से बिल्कुल ही अलग है, पुराने से कोई मतलब ही नहीं है उनका, जो भी सारे सारे नए ऐड हुए हैं। इसके अलावा जो एक नया वर्ड जो ऐड हुआ है वो है AP, AP इज एक्शन प्रायोरिटी, जिसको कि हम SOD सेवरिटी अक्रेंस डिटेक्शन से हम निकालते हैं, और जो कि इसके अंदर पहले हम RPN निकालते थे, रिस्क प्रायोरिटी नंबर, वो अब एलिमिनेट हो गया है। अब नए फॉर्मेट के अंदर RPN का नाम हम नहीं सुनेंगे, अब जो हम निकालेंगे वो है एक्शन प्रायोरिटी। हमें सारा का सारा काम एक्शन प्रायोरिटी पे काम करना है, और एक्शन प्रायोरिटी हमारी सेवरिटी अक्रेंस और डिटेक्शन से ही निकलेगी। अब जो चेंजेस और जो चेंजेस हुए हैं वो है हमारे सेवरिटी के अंदर। सेवरिटी में पहले जो हमारा ओल्ड रिविज़न था उसके अंदर सिर्फ 2 पॉइंट्स हुआ करते थे, जिसमें पहला था इम्पैक्ट टू योर प्लांट, कि अगर कोई प्रोसेस या कोई पार्ट अगर सेवियर है तो उसका हमारे प्लांट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सेकंड था इम्पैक्ट टू शिप प्लांट व्हेन नोन, जहाँ पर हम मटेरियल को भेज रहे हैं वहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हमें पता है तो। बट अब जो नया PFM है इसके अंदर ये दोनों पॉइंट तो सेम के सेम रहे हैं, पर एक नया थर्ड पॉइंट भी ऐड हो गया है। थर्ड पॉइंट है इम्पैक्ट ऑन एंड यूज़र। जो हमारा प्रोडक्ट मान लिया जाए कि हमने कोई भी एक बेयरिंग बनाया है और बेयरिंग हमने हीरो होंडा को दिया है, हीरो होंडा से वो बेयरिंग लग के उनके हब के अंदर लग के कहाँ पर जा रहा है, वो एंड यूज़र को क्या इफेक्ट हो रहा है अगर हमें वो पता है तो हमें वो भी लिखना है। इसके बाद अकरेंस के अंदर भी चेंज हुआ है। बिफोर टू कैलकुलेटिंग अकरेंस देर इज़ वन ओनली मेथड कैलकुलेट विथ PPM। पहले जो हमारे पास मेथड था सिर्फ एक ही मेथड था कि हम PPM से निकालें, PPM इज पार्ट्स पर मिलियन। इसके अलावा हमारे पास कोई मेथड ही नहीं था जिससे कि हम अकरेंस को निकाल सके। और जब ये नए प्रोडक्ट की बात होती थी, नए प्रोडक्ट के टाइम पे हमें बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती थी, या फिर हमने कस्टमर से बार बार पूछते थे और कस्टमर भी इसको बताने में एक्यूरेट नहीं बता पाता था, कस्टमर को भी नहीं पता होता था, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। इस वाले नए PFME के अंदर इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर दिया गया है। अब जो नया रिवीजन है इसके अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकरेंस रेटिंग क्राइटेरिया दिए गए हैं, हम इनमें से तीनों में से किसी भी तरीके को हम अपने PFME में यूज़ कर सकते हैं। PPM रेटिंग मेथड तो सेम ही रहा है, बट उसमें जो रैंकिंग का जो क्राइटेरिया है वो चेंज हो गया है अकरेंस में। और डिटेक्शन रेटिंग मेथड, डिटेक्शन का जो रेटिंग का जो मेथड है वो सेम है, जैसे हम पहले देते थे डिटेक्शन में वैसे ही अब हम देंगे, अब भी हम वैसे ही देंगे, बट जो रेटिंग का जो क्राइटेरिया है वो भी हमारा डिटेक्शन के अंदर वो भी हमारा चेंज हो चुका है। तो जो मेजर जो चेंजेस हुए हैं वो फॉर्मेट चेंज हो गया पूरा। एक और बात, ये वाला नया जो फॉर्मेट है इसके अंदर हम A4 शीट का यूज़ नहीं कर सकते। ये फॉर्मेट की लेंथ पहले इतनी थी, अब इतनी हो चुकी है, तो ये हमारा A3 शीट के अंदर आएगा। इस बात का ध्यान रखना, आपका A4 शीट के अंदर ये नहीं आएगा, काफ़ी लेंथी है ये फॉर्मेट, तो इस फॉर्मेट के लिए आपको A3 प्रिंटर का तो लेना ही पड़ेगा, या फिर आपको बाहर से प्रिंट करवाना पड़ेगा। सॉफ्ट में तो आप दे सकते हो, पर हार्ड कॉपी के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा A3 का प्रिंट। अगर आपको ये नया फॉर्मेट परचेज करना है FMEA का, जो नया फॉर्मेट है प्लस जो सेवरिटी की जो रैंकिंग है नई वाली, और अकरेंस की जो नई वाली रैंकिंग है, और जो डिटेक्शन की जो नई वाली रैंकिंग है, अगर आपको इनको परचेज करना है तो इसका परचेजिंग लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से इन फॉर्मेट को ख़रीद सकते हो। तो आगे चलते हैं। अब हमारी ट्रेनिंग का जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ VDA? VDA की फुल फॉर्म क्या है? VDA की फुल फॉर्म मैंने इस वीडियो में भी बताई और अपने 5 Core टूल्स की वीडियो में भी बताई थी। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को भी दबाएं, और अपना कीमती सजेशन कमेंट बॉक्स में दें। इसके अलावा हम ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाते हैं। हम 2 तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं। बेसिकली
एक है हमारा बेसिक कोर्स और सेकंड है हमारा एडवांस कोर्स। बेसिक कोर्स उनके लिए है जो कि फ्रेशर है या फिर जिनको एक साल से दो साल का एक्सपीरियंस है या फिर जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको इंटर्नशिप की ज़रूरत है, तो उनके लिए यह प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है और ये एक महीने का प्रोग्राम है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड प्रोग्राम जो है वो है हमारा एडवांस प्रोग्राम। एडवांस प्रोग्राम के अंदर हम AIG के पांचों के पांचों कोर टूल्स ग्लोबल 8D और साथ में ही 7QC टूल करवाते हैं जिसको हम एक महीने में पूरा करवाते हैं। एक बेनिफिट ये भी है कि 7QC टूल के हम जितने भी टूल्स हैं उन सबको रिटर्न में हर एक डॉक्यूमेंट्स को बना के हर डॉक्यूमेंट्स को करवाते हैं। हम अपनी ट्रेनिंग सिर्फ एक दिन में नहीं करते, 7QC टूल एक दिन में कोई भी नहीं सिखा सकता, कम से कम 5 दिन की ट्रेनिंग लगती है जिसे हम आपको 5 दिन के अंदर सिखाएंगे। अगर आपको एडवांस कोर्स को ज्वाइन करना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं।